हेलो, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज मोहम्मद स्वाजी। आप सब कैसे होंगे? मैं तो बहुत बढ़िया हूँ। और आज बहुत दिनों के बाद राइड पर जा रहा हूँ, इटारसी से भोपाल राइड जा रहा हूँ मैं और भैया भोपाल। रूम भी खाली करना है और लैपटॉप भी मुझे लेना है भोपाल में। देखते हैं लैपटॉप कैसा क्या मिलता है। अभी राइड करने में तो बहुत मज़ा आ रहा है, सुबह सुबह की ठंडी ठंडी हवा है और मॉर्निंग में मैं ही राइड करने निकला हूँ। अभी तो मैं होशंगाबाद चुंगी पहुँच गया, यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ हो गई है, देख सकते हैं आप ट्रैफिक में। एक अच्छी बात है लेकिन सब मास्क लगाए हुए हैं। और अभी क्या ट्राइडेंट की छुट्टी का भी टाइम है तो बहुत सारा ट्रैफिक भी मिलेगा, इसलिए ज़रा जल्दी निकला हूँ मैं, थोड़ा जल्दी जल्दी ट्रैफिक से बाहर हो जाऊँ और हाईवे टच हो जाऊँ, मेन सिटी में ज़्यादा ना घुसना पड़े। और मैं प्रॉपर 2 साल के बाद भोपाल जा रहा हूँ। आज पूरा लॉकडाउन करने का तो देखते हैं। और मेरा फ्रेंड भी आ रहा है हिमांशु, कॉलेज फ्रेंड, जिसके साथ मैं जाऊँगा कॉलेज अपने डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करने। वैसे अभी तो ज़्यादा कुछ ट्रैफिक नहीं है, मैं और आज गोप्रो से नहीं अपने मोबाइल से शूट कर रहा हूँ, तो देखना कैसे क्या लगता है। मैं एक्सपीरियंस लेना चाहता हूँ कि गोप्रो से ज़्यादा अच्छा शूट होता है वीडियो या मोबाइल से, तो आज मैं गोप्रो से बिल्कुल वीडियो शूट नहीं करूँगा, मोबाइल से ही शूट कर रहा हूँ आज। और ये होशंगाबाद पहुँच गया हूँ मैं। बेसिकली यहाँ से होशंगाबाद से साइड होते हुए मैं हाईवे पकड़ के नर्मदा नदी के ऊपर होते हुए हाईवे टच हो जाऊँगा। और सुबह सुबह राइड करने में एक अच्छी चीज़ ये है कि बिल्कुल ह्यूमिडिटी और गर्मी नहीं लगती है, ठंडे ठंडे में निकल जाते हैं और ट्रैफिक भी नहीं मिलता है। अभी राइड करने में बहुत मज़ा आ रहा है। अभी तो भैया मेरी बाइक चला रहे हैं, थोड़ी देर बाद मैं चलाऊँगा, ड्राइव करूँगा। और अभी देखिए ये लेफ़्ट साइड में टर्न लेके अपन चलते हैं, होशंगाबाद रोड से कट हो जाते हैं, हाईवे पे टच हो जाएंगे, इसके बाद नर्मदा नदी। और मैं सोच रहा था कि ट्रैफिक ना मिले, मैं जल्दी जल्दी में निकल जाऊं, लेकिन ट्राइडेंट की छुट्टी हो गई है तो सबसे ज़्यादा स्टाफ वहीं से छूटता है। कम से कम नाइट स्टाफ छूट रहा होगा, 1000-1200 से ज़्यादा का स्टाफ होगा उनका नाइट शिफ्ट शूटिंग। देखिए आप देख रहे हैं भीड़ रहे, आगे तो और ज़्यादा भीड़ होगी, इतना ट्रैफिक हो जाता है कि बिल्कुल निकलने के लिए जगह नहीं मिलती है। वीडियो की स्पीड बढ़ा दी थी मैंने क्योंकि बहुत ज़्यादा वीडियो लेंदी हो रही थी। और मैं नर्मदा नदी पहुँच गया हूँ ब्रिज सामने ही से, क्रॉस करके बुधनी फिर ट्राइडेंट। ये देखिए ब्रिज देखिए, अभी तो बारिश ज़्यादा हुई नहीं है तो पानी बहुत कम है, लेकिन रेत बहुत ज़्यादा है अभी। और बारिश के टाइम तो नदी इतनी कभी खाली नहीं दिखी जितनी अभी नदी खाली दिख रही है। और बारिश का मानसून का तो दिखा रहा है, लेकिन मानसून बारिश हो नहीं रही जिस हिसाब से मानसून बन रहा है, मानसून डेली बनता है। और नर्मदा नदी क्रॉस करता हूँ, फिर उसके बाद ट्राइडेंट मिलता हूँ आपको ट्राइडेंट। और आज मेरी टोटल घर से 98 किलोमीटर की राइड है ये, मेरे घर से भोपाल के रूम तक, जो मेरा रूम है भोपाल में वहाँ तक 92 किलोमीटर रनिंग है मेरा। देखते हैं कितनी देर में पहुँचूंगा। वैसे तो मैं पहले जो राइड करता था 1-1.5 घंटे में बेसिकली पहुँच जाता था, एवरेज स्पीड मेरी 75 रखता था तो मैं। और पानी गिर रहा है तो मिट्टी भी बह के आ रही है, पानी के संग रेत बह के आ रही है, तो पानी का कलर भी चेंज हो गया है, यानी कहीं कहीं पानी गिर रहा है, लेकिन बेसिकली इटारसी और होशंगाबाद में पानी नहीं गिर रहा है। और ये कार वाला बस वाला साइड नहीं दे रहा है, साइड दे तो आगे निकले, और ये साइड दे दिया गया है, ट्राइडेंट आ गए। ये ट्राइडेंट राइट है, लेफ्ट हैंड साइड है ट्राइडेंट का मेन गेट। अब ये चढ़ गए बुधनी का हाईवे, बुधनी का हाईवे चढ़ के होते हैं राइट साइड लेफ्ट, और बुधनी से होते हुए चढ़ते हैं। ये देखिए सामने भोपाल का पहाड़ी दिख रही है, ये देखिए टर्न। और ये पहाड़ी पे चढ़ के घाट सेक्शन में एंटर हो गए हैं। अब तो ज़्यादातर बहुत ही कम घाट बचे हैं क्योंकि घाट ख़त्म कर दिए हैं और हाईवे डल रहा है बहुत अच्छा चौड़ा, तो अभी बस पानी गिरता तो बहुत अच्छा लगता है इस घाट सेक्शन में, तो यही नॉर्मल है। अभी आगे चल के अपन चढ़ेंगे मेनली, और घाट आएंगे तो फिर दिखाऊँगा आपको। और घाट सेक्शन में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम करते हैं ये रेत के ट्रक बहुत ज़्यादा चलते हैं यहाँ पर, क्योंकि नर्मदा नदी है तो रेत बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट इम्पोर्ट होती है यहाँ पर, बहुत ज़्यादा बाहर जाती है पिछले बेसिकली, बस इसलिए जल्दी निकलना पड़ता है कि ट्रक का ट्रैफिक नहीं मिले। और रात में तो और ही नहीं निकल सकते क्योंकि हाई भी मारते हैं ट्रक। चलो इसने साइड दे दिया, बहुत अच्छा करा। अब और मैं जा रहा हूँ होंडा शाइन से, जो मेरी मॉडल है 2012 का मॉडल है उसका, होंडा शाइन का, और 2 बार इंजन बन चुका है फिर भी वो एवरेज 56 का दे रही है, बहुत अच्छा एवरेज दे रही है। और अच्छा 90 तक स्पीड मैंने इसको भगाई है और घाट सेंक्शन, लेकिन मौसम ऑन एवरेज में 75 भी देता हो रहा है। अभी देखो बिल्कुल सनलाइट, धूप निकली थी और अब क्लाउड हो गया है। और लेफ्ट लेके अपन बिल्कुल मेन हाईवे पर चढ़ जाएंगे,
मेन हाईवे पे। यहाँ राइट लेफ्ट लेकर ऐसा लगता है कि स्लोप नहीं है, अब तो हाईवे बन गया, लेकिन इतना स्लोप है चढ़ाई पे, इतना चढ़ाई है, बस ट्रक वाले साइड नहीं देते हैं। और हमारे ऐसा लग रहा है डस्ट भी उड़ाने लगा है थोड़ी थोड़ी, इससे बहुत जल्दी साइड लेना पड़ेगा। और अब तो बहुत ही ज़्यादा डस्ट उड़ाने लगा है अपने ऊपर, और ये व्यू देखिए कितना प्यारा है, मज़ा ही आ जाता है। और अभी से लेफ्ट हैंड साइड पे एक झरना भी मिलता है बहुत बड़ा, जिस पे पानी गिरता है, तो बहुत सारे घूमने की जगह है। कम से कम 15-1 किलोमीटर पैदल पैदल चल के जाना पड़ता है, और थार हो तो कोई बात ही नहीं, थार तो चली जाती है अपनी। बहुत ज़्यादा डस्ट उड़ा रहा है ये ट्रक। चलो अब इस ये भी साइड देने के लिए हाथ दे रहा है अपन के, इससे भी आगे निकलते हैं और लेन पकड़ते हैं 80 किलोमीटर वाली, फिर अपनी स्पीड का एवरेज अच्छा निकलेगा। देखते हैं आज एवरेज कितना क्या निकलता है अपनी गाड़ी का, कम से कम वो भी बहुत दिनों के बाद मैं एवरेज देख रहा हूँ। और ये देखिए स्पीड लिमिट समथिंग मुझे 80 दिखा रही है आगे बोर्ड पर। अब देखते हैं बहुत अच्छी अपनी बाइक चलेगी, व्यू भी बहुत प्यारा है, क्लाउड भी आ गए हैं, और ऐसा लग रहा है कि आगे थोड़ा और घाट सेक्शन आएगा तो पानी बहुत तेज ही गिरेगा। और बेसिकली मेरा काम है भोपाल जाकर अपना रूम खाली करना और अपना डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करना, कॉलेज से सारे डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करके TC माइग्रेशन हर चीज़ कलेक्ट करना है। वैसे कॉलेज में 3-1 दिन लगेंगे, आपको कॉलेज भी चल के दिखाएंगे कहाँ मैं बैठता था, कहाँ रहता था, यानी किस जगह हम लोग बंक मारते थे। खुला रहेगा तो बंक की भी जगह दिखाऊंगा, और मेरे टीचर्स और यानी सीनियर्स मिलेंगे तो उनको भी दिखाऊंगा मैं कॉलेज में, और अपनी नीचे जो इंडस्ट्रियल वर्कशॉप थी वो भी दिखाऊंगा मैं कैसे क्या था, CNC मशीन वगैरह नेक्स्ट व्लॉग में। ये ज़्यादा लॉन्ग हो गया तो नेक्स्ट व्लॉग में दिखा दूंगा मैं आपको। और हाईवे बहुत प्यारा है, बहुत स्मूथ हाईवे बन गया है, पहले तो बहुत छोटी और पतली रोड थी, और हाईवे 8-10 किलोमीटर ही का था, और ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की रोड आ गई। अब इसमें से क्या फॉरेस्ट डिपार्टमेंट अभी परमिशन बहुत मुश्किल लगती है, तो यही पतली सी सकरी सी रोड है, तो इसमें ट्रैफिक भी बहुत ज़्यादा जल्दी लग जाता है। वैसे अभी सुबह का टाइम है तो ज़्यादा ट्रैफिक लगता नहीं है, और रोड में भी रिपेयरिंग करने में भी बहुत टाइम लगता है। ये फॉरेस्ट का मुझे नाम याद नहीं आ रहा, अभी आगे बोर्ड देखूँगा तो बताऊँगा आपको कौन सा फॉरेस्ट पड़ता है ये। जब तक आप इन्जॉय करिए मोटो ब्लॉगिंग और देखिए व्यूज कितने प्यारे प्यारे हैं, मुझे तो मज़ा ही आ जाता है सुबह से इतना प्यारा व्यू देखने का। और हाईवे भी अच्छा चलता है, दिन रात में अच्छा ट्रैफिक रहता है इस पर। और ये घाट सेक्शन ख़त्म हो गया, यहाँ से आ गया है अपना अब्दुल्लागंज। अब्दुल्लागंज अपन एंटर नहीं करें, ये बाहर से बाईपास डला है, वहाँ से राइट हैंड साइड से बाईपास ले लिया अपन ने। और सिटी में जाएंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, इसलिए बाईपास ही यूज़ करके अपन बाईपास से होते हुए बाहर निकल जाएंगे अब्दुल्लागंज। और घाट सेक्शन ख़त्म ही हो चुका है मेनली, अब 4-लेन हाईवे अच्छा आ गया है, तो अब स्पीड भी बहुत अच्छी होगी और अपनी टाइमिंग भी बहुत सही रहेगी मेरे हिसाब से। तो जो मेरी पुरानी टाइमिंग है 1.5 घंटे में पहुंचने की, वही टाइमिंग रहेगी मेरी। अरे भाई ये क्या करता कर रहा है बीच में, बीच में एक बार जब लॉकडाउन खुला था तो मैं आया था, ये ब्रिज जब बन रहा था बना नहीं था तो नीचे से गया था, अब ब्रिज बन गया, देखते हैं कैसे क्या व्यू मिलता है यहाँ से। और देखने में तो बहुत अच्छा लग रहा है, रोड भी बहुत स्मूथ है, लेकिन गड्ढे हैं फिर भी, इंडिया की रोड में गड्ढे नहीं हैं तो कैसे चलेगा। और हाईवे तो बहुत अच्छा बना है, स्मूथ ब्रिज भी है। अब वीडियो ज़्यादा लेंदी हो रही है तो सीधे मिलते हैं आपको भोपाल, जब भोपाल एंटर होंगे तो वहाँ से अपना मैं फ़ोन स्टार्ट कर लूँगा। वैसे अभी जेब में भी रखता हूँ, मेरा फ़ोन भी डिस्चार्ज होने वाला है और मेरा हाथ भी दुख रहा है बहुत देर से कम नहीं तो 50 किलोमीटर से ऊपर से ज़्यादा मैं फ़ोन पकड़ के रिकॉर्ड कर रहा था वीडियो। ये मिलते हैं आपको, देखा है इसमें भोपाल ही टोल के ऊपर ही फ्लोर बना रहे जिसमें रहने का हुआ, और कोई ज़मीन ना खरीदना पड़े टोल वालों को। और अपन मंडीदीप में टच हो गए हैं, तो इंडस्ट्रियल एरिया शुरू हो गया मंडीदीप का, ये पहले इंडस्ट्री है राइट हैंड साइड पे,
और ये देखे ट्रक के ऊपर ट्रैक्टर जा रहे हैं बहुत सारे, ये जल चुके हैं शायद, जल गए होंगे तो वो जा रहे हैं वापस फैक्ट्री रिपेयर होने। ये तो ठीक है, ये तो पूरे ही ख़त्म हो गए हैं 3 चार ट्रक। और राइट हैंड साइड पे तामोड़ भी है, सीपेट का बहुत बड़ा प्लास्टिक पार्क बना है 92 एकर्स में, इंडिया का सबसे बड़ा प्लास्टिक पार्क है सीपेट का। और ये 3 फ्लोर के समथिंग का पहाड़ काट के ये रोड बनाई गई है। ये जो इंडस्ट्री दिख रही है इसके बगल से जाते HEG इंडस्ट्री है, पूरा 3 फ्लोर की समथिंग ऊपर ये वो है पहाड़ी, उसको कटिंग करके रोड निकाल दी गई है। और भोपाल में एंटर हो गए हैं, भोपाल का सामने का कॉरपोरेशन का बोर्ड दिख रहा है, वेलकम टू द ब्राइटर भोपाल मल्टीपल कॉरपोरेशन। और ये बस की लेन, बाइक्स की लेन, कार की लेन बना गए हैं। और ये राइट हैंड साइड पर कैपिटल मॉल, दीपगंज एरिया में पड़ता है, मिसरौद में आता है कैपिटल मॉल, तो कैपिटल के आगे सीधे पड़ेगा अपन को आशिमा राइट हैंड साइड पर। और यहाँ पर सारे कॉपरेटिव ऑफिस हैं लेफ्ट हैंड साइड पर, और ये मल्टी है बहुत बड़ी। सामने दिख रहा है आपको आशिमा, ये येलो बोर्ड के पीछे आशिमा मॉल है। यहाँ पर हम लोग आते थे कॉलेज के टाइम, नाइट टाइम मूवी देखते हैं फ्रेंड्स के साथ। अब तो सब कोविड ने ख़राब कर दिया, कुछ आ ही नहीं पा रहे हैं, कहीं जा ही नहीं पा रहे हैं। और ये जा रही है सन 90s की कार, जिसमें मूवीज़ में दिखाई जाती थी कि इसमें से पैसा चोरी होता है, वो वाली। ये आशिमा मॉल आ गए सामने, और सामने मैकडी था तो हम लोग सब यहीं बैठते थे फ्रेंड्स वगैरह हमारे सारे। ये कोऑपरेटिव ऑफिस है सारे लेफ्ट हैंड साइड पर। मिलते हैं हबीबगंज में। ये लेफ्ट हैंड साइड पर सबसे कॉस्टली जिम है भोपाल की, यहाँ पर बहुत कॉस्टली फीस। मेन हबीबगंज के अपन चलेंगे 5 नंबर तरफ से, और सिग्नल, हाँ चलिए ग्रीन हो गया, चलिए किस्मत अच्छी थी अपनी तो सिग्नल ग्रीन मिला अपन को। और जल्दी जल्दी चलते हैं घर पर, रूम पर पहुँचते, पता नहीं रूम कैसा होगा, गंदा अंदा होगा, और प्रभात होकर चलते हैं अपन। और ये हबीबगंज आ गए हैं प्लेटफॉर्म नंबर 5 की तरफ से, बैक साइड से देखते हैं हबीबगंज स्टेशन कितना बन गया है। और स्टेशन काफ़ी बनकर तैयार है जैसा डिज़ाइनिंग में दिया था, और बहुत अच्छा दिख रहा है स्टेशन। देखते हैं अभी सामने से व्यू कैसा क्या है स्टेशन का। और अपन आ गए अभी सुभाष फाटक, सुभाष फाटक के ऊपर से ब्रिज भी डल गया है। बहुत कुछ कंस्ट्रक्शन हो गया भोपाल में लॉकडाउन के बाद, लेकिन चालू हुआ है कि नहीं देखते हैं, लेकिन हाँ चालू नहीं हुआ है यहाँ पर। और अब प्रभात चलते हुए पहुँचते घर पर, प्रभात चौराहे से चलेंगे गार्डन और अपने रूम पर। ये देखिए प्रभात चौराया, हाँ यहाँ पर भी लोग निकल रहे हैं, ऑफिस जा रहे हैं, प्रॉपर हर चीज़ खुल चुकी है भोपाल में भी। प्रभात चौराहे का गोल ख़त्म कर दिया सर्कल जो था, यहीं से डेली में कॉलेज जाता था राइट हैंड साइड से। पुरानी यादें ताज़ा हो गई, 2 साल के बाद मैं नया आया हूँ और देखा है थोड़ा बहुत चेंजेस हो गया है, नई नई शॉप्स खुल गई हैं, और कुछ चेंजेस नहीं है, बाकी सब सेम ही है जैसा था वैसा ही है। अरे भाई रुक जा, बाइक वाले देखकर नहीं चलाते, कहीं भी मोड़ देते हैं लोकल में। और ये फेवरेट ढाबा राइट हैंड साइड पे अमृता ढाबा, यहाँ आके मैं वीक में 2-1 बार तो खाना खा ही लेता था। और ये परिहार चौराया पहुँच गए, परिहार चौराहे से यहाँ पर भी मैं रनिंग करने आता था इस ग्राउंड में, और रनिंग करते हुए ये यहाँ से मुड़ के चलते हैं पशु गार्डन। ये तो वही रोड है जिसमें दिन में से 8 से 10 बार तो निकल ही जाता था मैं कुछ ना कुछ लेने, कहीं स्टेशनरी, कहीं कुछ खाने, कहीं कहीं घूमने, और कॉलेज भी यहीं से जाना आना। और आगे चल के अशोक गार्डन थाना भी पड़ेगा, तो मेरे सीपेट के साथ बाकी जो मेरे क्लासमेट्स और वो थे ग्रुपमेट, उनको पता ही है अशोक गार्डन थाना।
याद ही होगा उन लोगों को। तो फैजान भाई, हिमांशु भाई अशोकगढ़ थाना गया, और अपना क्या बोलते मुर्गे भाई आप भी देख लीजिए अशोकगढ़ थाना पीछे निकल गया, तो आपको कुछ इंक्वायरी हो तो पता कर लेना अशोकगढ़ थाने से। बस थोड़ा सा है, कुछ 500 या 800 मीटर बचा होगा, फिर वहाँ से अपन राइट लेंगे और अपने रूम के तरफ वर्धमान ग्रीन पार्क रोड पे मुड़ जाएंगे। और यहाँ तो बहुत कुछ ज़्यादा ही न्यू सा लग रहा है। और यहाँ लेफ्ट हैंड साइड मेरी फर्स्ट जिम है, और सेकंड ये वाली मेरी फर्स्ट जिम जिसमें 2017 में पहली बार जिम में गया था। और आगे चलकर ये ऊपर जो जिम दिख रही है जिसमें मैं सेकंड जिम मैंने इंक्वायरी करी थी, ये ऊपर और फेमस जूस सेंटर जिसमें मेरे कोई भी दोस्त आते थे हम लोग यहीं बैठते थे चाय पीने, और हम लोग सब साथ में यहीं जाते थे नाइट में भी। और ये अंदर एंटर होते हुए एक वर्धमान ग्रीन पार्क रोड है, और अपने रूम पर आते हुए गेट के बाद, अभी तो चाबी नहीं है, अब तो भाई को कॉल करना पड़ेगा चाबी के लिए, ऑनर है जो घर के, उनको रात में मैसेज करना भी भूल गया था, और ताला लगा हुआ है तो इसलिए अब उनके घर जाना पड़ेगा या कॉल करना पड़ेगा उनको। और ये रूम का देखो क्या हाल है, देखते हैं, सब चीज़ वैसी की वैसी है, पेंट भी हो गया, न्यू टाइल्स भी लगे लेकिन यूज़ नहीं कर पाए, पूरे बर्तन वगैरह रखे हैं और ये गंदा सर्दी कपड़े वैसे ही रखे हैं, और वैसे वैसे सब चीज़ बिल्कुल सेटल है। रूम इस तरीके से सेटअप था मेरा, अब तो बहुत गंदा है और अच्छे से जमा था, टाइल्स लगे कुछ अच्छा लग रहा है, लेकिन अब खाली करना है पुरानी आदत ताज़े करके, एक दो रह के घूम के और कॉलेज जाकर, और कल हिमांशु भी आने वाला है, मिलते हैं अगले ब्लॉग में, थैंक यू सो मच। ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और कमेंट में बताना कैसा क्या लगा है, और बताते रहना कि कैसे क्या अपग्रेड करूँ क्या ना करूँ। चलिए मिलते हैं अगले ब्लॉग में, सेकंड ब्लॉग बहुत ही जल्द से डालूंगा, वो था मेरा HP लैपटॉप का, पूरे भोपाल में कैसा क्या मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, क्या स्पेसिफिकेशन है, हर चीज़ बताऊँगा आपको। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, बाय बाय।